अलवर स्टेशन पर आरपीएफ के जवानों द्वारा एसी कोच अटेंडेंट के साथ मारपीट और उसे थाने में बंद करवाने के मामले में सोमवार को डीआरएम कार्यालय में रेलवे विद्युत विभाग से जुड़े कर्मचारियों ने प्रदर्शन करते हुए दोषी आरपीएफ जवानों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। साथ ही कार्रवाई नहीं होने तक काम के बहिष्कार की भी घोषणा की। अमृतसर एक्सप्रेस में रविवार रात अलवर रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ के कुछ जवानों ने एसी कोच के चार अटेंडेंट्स के साथ मारपीट की थी। आरोप है कि एसी कोच में बैठने को लेकर शुरू हुए इस विवाद में आरपीएफ के इन जवानों ने झूठे आरोप लगाकर मुकदमा भी दर्ज करवा दिया। इस मामले में सोमवार को विद्युत कर्मचारियों ने डीआरएम कार्यालय पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया और डीआरएम को ज्ञापन देकर आरोपी आरपीएफ जवानों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। ये वर्दी वाले गुंडे, जिसको हम सीधी सीधी भाषा में मैं बोलता हूँ आरपीएफ वाले, नाजायज आए दिन परेशान करते रहते हैं। परसों की घटना है कि हमारी गाड़ी में जो एसी मैकेनिक था, वो गाड़ी में दुष्यंत था, आरपीएफ वाला आया और उससे बोला कि आपका नाम बताओ। उसने नाम बताया कि बोले खाली करो ये पट्टा या मैं बैठूंगा। इस बात पर उसने, जब उसने कहा भाई ये तो हमारी सीट है, अटेंडेंट भारी बैठता है, अटेंडेंट के साथ एसी भी बैठता है, तो उसके साथ मारा पीटी की, उसको झूठे केस में बंद करवा दिया अलवर थाने में आरपीएफ में। और उसको फिर रात को उसके घर वाले आए, सुबह 5 बजे घर वाले जाके उसकी जमानत करवा के, अभी वो बच्चा जिसके साथ मारपीट हुई है वो जयपुर जमानत के लिए कोर्ट में धक्के खा रहा है। 1914 में, 2011 में वो हम बाहर बैठे थे पट्टे पे, उसमें दो पुलिस वाले आए थे नाम लेने और उन्होंने बोला भाई कि पट्टा खाली करो और नाम भी बता दिया, फिर भी उन्होंने जबरदस्ती मारने लगे और उन्होंने दुष्यंत कुमार को अलवर में उतार दिया और उन्होंने मारपीट करी। और चार पुलिस वाले थे, वो चारों ने दारू पी रखी पुलिस वालों ने। ये हमारे यहाँ से जो ट्रेनें चलती हैं अजमेर से, उनमें हमारे इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट का स्टाफ जाता है, एसी कोच अटेंडेंट, तो उनके साथ अजमेर से अमृतसर परसों ये लोग, हमारा स्टाफ जा रहा था, तो यहाँ अलवर में जो जयपुर डिवीजन के जो आरपीएफ स्टाफ है, उन्होंने हमारे बंदे के साथ में मारपीट की और उसे वहाँ से अलवर में उतार लिया। उतारने के बाद उसके साथ रात भर मारपीट की और उसको फिर सुबह छोड़ा है और उसके खिलाफ झूठा भी केस दर्ज किया है उन्होंने। तो इसी संदर्भ में हम डीआरएम साहब से मिले हैं कि हमारे स्टाफ के साथ इस तरह की घटनाएं हुई है, वो बहुत मतलब निंदनीय है और इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए, और जो ऐसा जो स्टाफ है जिसने ये इस तरह की घटना की आरपीएफ स्टाफ, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।